दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ऑनियन के बारे में। ये क्या है? ऑनियन यानी प्याज। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया का प्याज। दोस्तों आज का टॉपिक है टॉर ब्राउजर के बारे में, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी ऑनियन के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों मेरा मकसद है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको एकदम इजी वे में समझाना, एकदम आसान भाषा में समझाना, ताकि सभी लोग समझ पाए। हमेशा से यही कोशिश रही है और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि जटिल मुद्दे को एकदम आसान भाषा में समझाएं। तो आज का टॉपिक है टॉर ब्राउजर के बारे में कि टॉर ब्राउजर क्या होता है। टॉर का फुल फॉर्म होता है द ऑनियन राउटर। तो जैसे ये प्याज है, इस प्याज को हम खाते हैं, तो इसी प्याज से इंस्पायर्ड होकर एक ब्राउजर बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है टॉर ब्राउजर। समझिए कि प्याज एक इंस्पिरेशन है। तो ये दुनियावी प्याज हो गया और वो टेक्नोलॉजी का प्याज हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि द ऑनियन राउटर यानी टॉर ब्राउजर काम कैसे करता है। जैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा कि ये वेबसाइट हैक हो गया है और अभी तक पता भी नहीं चला है कि कौन हैकर है, किसने हैक किया, कहां से हैक किया, कोई आइडिया नहीं। इसका मतलब क्या है कि हैकर जो है वो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है। तो वो छुपाता कैसे है? टॉर ब्राउजर से। और आपने ये चीज भी देखा होगा कि कोई हैकर अगर पकड़ा जाता है तो वो आईपी एड्रेस के जरिए पकड़ा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये आईपी एड्रेस क्या बला है, तो मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हम इसे विस्तार से समझें तो जैसे आप वोट देने के लिए बूथ पे जाते हैं और वहां पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं तभी आप वोट दे पाते हैं। तो वोटर आईडी क्या है? आपका आइडेंटिटी है, यानी पहचान है। तो ठीक वैसे ही आपका जो डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो या फिर टैबलेट हो, कोई भी डिवाइस हो, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है जो कि आईपी एड्रेस कहलाती है। तो टॉर ब्राउजर जो है वो उसको हाइड कर देता है, या फिर आप यूं कह लें चेंज कर देता है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो वीपीएन का भी काम है। जी हाँ दोस्तों, इससे काफी सिमिलर है, काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन वीपीएन और टॉर ब्राउजर काफी सिमिलर है। अगर आप नहीं जानते हैं कि वीपीएन क्या होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक जरूर करें, उसमें मैंने फुल डिटेल में बताया है कि वीपीएन क्या होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जाके जरूर देखें। दोस्तों टॉर ब्राउजर जो है आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉल होने के बाद जब आप इंटरनेट सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गूगल में सर्च किया टेक्निकल मेहताब, तो ये जो कीवर्ड्स है ये आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होकर गूगल के सर्वर तक पहुंचती है। फिर गूगल चेक करता है कि भाई ये आईपी एड्रेस से इस कीवर्ड को यानी टेक्निकल मेहताब कीवर्ड को सर्च किया गया है। यानी गूगल का जो एल्गोरिथम है वो ये समझ जाता है कि ये पर्टिकुलर बंदा यानी पर्टिकुलर डिवाइस जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस से ये कीवर्ड सर्च करना चाह रहा है। तो फिर उधर से रिप्लाई ओके होता है, तब जाके फिर गूगल का जो भी पेज है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल खुला हुआ है, मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, वो सारी चीज़ें गूगल के फ्रंट पेज पे शो होती है। तो ओवरऑल क्या है कि गूगल को इसमें पता चल रहा है ना कि भाई ये आईपी एड्रेस से ये चीज़ें सर्च की जा रही हैं। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि भाई गूगल को पता ना चले कि मेरी ये आईपी एड्रेस है, मैं यहां से चीज़ें सर्च कर रहा हूं। तो फिर ये कैसे होगा? टॉर ब्राउजर से। लेकिन वीपीएन जो है, वीपीएन से थोड़ा हट के इसमें कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक ना, बहुत सारे लेयर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। और वैसे आपको पता भी होगा कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो जैसे हम टॉर ब्राउजर इंस्टॉल किए रहते हैं और गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है। और चेंज होने का मतलब सिर्फ एक ही बार नहीं कि वो चेंज हो जाता है, वो लगभग 50 बार वो आईपी एड्रेस चेंज होते रहता है। इसकी वजह से गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहां से ये चीज़ें सर्च की गई हैं। मतलब जो भी बड़े बड़े हैकर्स हैं वो अनोनिमस रहने के लिए टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप वीपीएन यूज़ करते हैं, तो एक बार वीपीएन कनेक्ट किए, आप यूएस का आईपी एड्रेस ले लिए, ठीक है, यूएस के आईपी एड्रेस से आप इंटरनेट सर्व कर रहे हैं। लेकिन टॉर ब्राउजर में क्या है कि आप एक भी सर्च कर रहे हैं ना, तो उसमें समझिए कि ऑटोमेटिक वो बार बार आईपी एड्रेस चेंज होते रहता है। अगर कोई ट्रैक भी करने की कोशिश करेगा वो नहीं कर पाएगा। आखिर में बड़े बड़े जो हैकर्स हैं वो लोग टॉर ब्राउजर का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर पाए, यानी पकड़ ना पाए। ओवरऑल अगर आप अनोनिमस रहना चाहते हैं तो टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई भी चीज़ें सर्च करेंगे वो 50 टाइम्स अपने आप आईपी एड्रेस चेंज होते रहेगा, एक बार नहीं बल्कि 50 बार। और इसकी खासियत ये भी है कि जो भी बैन है साइट्स, उस साइट्स को आप टॉर ब्राउजर के जरिए इस्तेमाल कर पाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टे सीधे साइट सर्व करने लग जाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि टॉर ब्राउजर को कैसे इस्तेमाल करना है, और सबसे पहली चीज़ कि टॉर ब्राउजर को हम कहां से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे सर्च करना है, क्या चीज़ें हैं, मतलब ओवरऑल क्या प्रोसेस है, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएं कि सर टॉर ब्राउजर को कैसे इंस्टॉल करें। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मेंशन जरूर करें।
और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, यूनिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी टोर ब्राउज़र के बारे में समझ पाए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।